हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर लवली दिल्ली कपल ब्लॉग चैनल। एंड आई होप आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं। आज एक नए ब्लॉग के साथ आपके पास आए हैं और इस नए ब्लॉग का सबसे बड़ा रीज़न है आज मतलब 28 नवंबर मेरा बर्थडे है। हर बार क्या होता है बर्थडे पे मैं कहीं ना कहीं जरूर जाता हूँ मंदिर मतलब, तो इस बार का प्लान है झंडे वाला उनका। और ऑलमोस्ट हम उतर चुके हैं स्टेशन पे, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से मंदिर जा रहे हैं। और कौन सा माता मंदिर तो वही अच्छा लगता है जो पहाड़ों पर हो जाता है ना। बेटू बेटू को दिखाओ, देख लेता है कैमरा सबसे पहले देखता है ना। जाना है कैमरे के पास जाना है। तो गाइस आज झंडे वालन के दर्शन करेंगे और आगे कुछ करोल बाग की शॉपिंग का भी प्लान है। अगर शॉपिंग होती है तो ब्लॉग के हम जरूर ऐड करेंगे। बाकी मिलते हैं मंदिर में आपसे। पहुंच गए सामने मंदिर। तो गाइस मंदिर तो पहुंच गए हैं मतलब एंट्री स्टार्ट है, तो एंट्री करते हैं। मन्नत मांगी थी क्या? मन्नत मांगी थी कि लल्ला हो जाए इतने प्यारे से। हाँ, चलो आपकी मन्नत पूरी हो गई बेटा। लल्ला लल्ली। मेरा तो बर्थडे का था कि बर्थडे पे मंदिर आना ही आना होता है, तो झंडे वाला उनका प्लान किया और हमारी मैडम आई अपनी मन्नत पूरी करने। तो आज मन्नत भी पूरी हो जाएगी और मेरा बर्थडे भी मंदिर में बन जाएगा। हम तीनों आए हैं, चारों आए हैं, साढ़े तीन आए, साढ़े तीन, साढ़े तीन आए ना बेटू। हर चीज का अच्छा चेंज कर दिया है, देखो दो तीन साल होगा। ओके, तो गाइस जब से मैं आया हूँ तब तक तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले ये छत ऊपर वाली नहीं थी, अब स्पेशली तो छत पत का स्टाइल बना दिया गया है। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि धूप के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन वाली चीज़ हो गई है। आपका फर्स्ट टाइम है ना ये मंदिर? बताओ, दो साल हो गए दिल्ली में, फर्स्ट टाइम यहीं पे? तो वो भी है बंगला साहिब का गुरुद्वारा। नहीं, बंगला साहिब गुरुद्वारा दूर है। राजी चौथा पास में दो सौ पीछे गुस्सा। चलो चलो करो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इनको वैष्णो देवी भी ऐसी लेके चलेंगे। ये देख रहे हो? तो बताई क्यों नहीं हमें? आप भी उतारोगे जूते अपने? जूते उतारे जा रहे हैं मतलब जूते रखवाए जा रहे हैं सारे के सारे। उसके बाद फिर दर्शन के लिए लाइन है वहाँ से, उसमें चलेंगे। कैसा लग रहा है मंदिर आके आपको बताओ सबको? हम सब ने अपने जूते उतार लिए सिवाय इनको छोड़ के, इन्होंने अपने जूते नहीं उतारे। तो हम लोग के जूते हो गए सामने। क्या चीज़? बहुत सारा काम है ना उसके पास, तो कहावत नहीं कर भरा तो बल अपने आप ही मिल गया ना। हम तो अपने हाथ धो लें, आप पकड़ो कैमरा। चलो चलो बाहर निकलो। तो हम लोग लग गए हैं लाइन में, ठीक है? मजा आ रहा है बेटू? तो आज क्या है, लाइन नहीं है आगे, खासियत ही है उन्हें दो बार बहुत होते, कहीं दिक्कत तो नहीं है? प्रसाद नहीं चढ़ा लेकिन लेंगे जगह। अब क्या लोगे, मंदिर है ये, वहीं लेना था। जब बोला था तब नहीं दी। जय माता दी। कर ली
हम लोग के दर्शन हो गए, माता रानी जस्ट सामने है और बहुत मज़ा आया। जयकारा लगाया बाबू, जय माता, हाथ जोड़ो ऐसे, हाथ जुड़वाओ उनके। है बट आज भीड़ थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस हिसाब से होनी चाहिए। लग नहीं रही कि इतनी भीड़ है यहाँ पर, लग रही है आपको भीड़? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, पता है। तो गाइस मैं आया हूँ यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 साल के बाद, और अब ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरा का पूरा मंदिर चेंज हो चुका है ना? चेंज हो गया बेटू, मेरा बेटू पहली बार आया है, भाभी तो फर्स्ट टाइम है, भाभी फर्स्ट, ये इनकी मम्मी भी फर्स्ट टाइम है। तुझे कितना टाइम हो गया ध्रुव? मैं को काफी टाइम हो गया, 3-4 साल से। तो मतलब लास्ट टाइम अपने बर्थडे पे, मतलब आज से 3 साल पहले बर्थडे पे यहीं आया था, 4 साल पहले। तो ऑलमोस्ट काफ़ी कंफ्यूजन है गाइज यहाँ पर, क्या क्या चेंज किया है कोई अंदाज़ा नहीं ऑलमोस्ट, और बाकी हम सब देख रहे हैं। अरे स्मेल नहीं आ रही आग की, स्मेल नहीं है, तो सब कुछ चेंज है। बाकी देखते हैं और मंदिर कैसा कैसा है आपको भी दिखाते हैं। चलो मंदिर दिखाएं, मंदिर में लाइक है, थोड़ी जाने खड़े हो जो पेंटिंग है वो सब भी। ये मंदिर है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज है, पहले ऐसा डिज़ाइन नहीं था, बट बहुत प्यारा लग रहा है। बेटू जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर आप अपने मम्मी पापा की फ़ोटो खींचना खूब सारी। यार फोटो खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे, बट पूरी पूरी वीडियो बननी है, ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटू तो देख कैमरे में, देख इधर इधर इधर, वो नहीं देखेगा जो उल्टा पड़ रहा है ना उसे। पहले नीचे जाने का भी रास्ता था, आई थिंक ये रास्ता ये वाला, हाँ नीचे बंद है, नीचे यहाँ पे जागरण जगराता होता है छोटा मोटा, नीचे वो ज्योत जो है ना वो नीचे ही है मेन, मुझे लग रहा है वो ज्योत वही जो रख दी है ना वही कर दी, वो अखंड ज्योत है वो, यहाँ पे एक अखंड ज्योत जलती है, हाँ वो वही ज्योत है। वो ज्योत जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम मंदिर आया था ना, वो तब की ज्योत है, मतलब ज़मीन के अन्दर जलती हुई निकली थी, तो जो यहाँ का पर्सन था उसको क्या सपने में आई थी माता रानी कि यहाँ पे मंदिर बनाना है, इस तरह की स्टोरी थी। यहाँ पे जो यहाँ पे पर्सन था उसको सपने में माता रानी आई थी कि यहाँ पे मेरा मंदिर बनना चाहिए, वो कुछ अपना घर बनवा रहा था, और जब उनने खुदाई की तो उनने देखा कि वहाँ पे एक जलती हुई ज्योत और माता रानी की मूर्ति निकली थी, जिसके बाद से ये झंडे वाली मंदिर बना। और रियल में इस मंदिर की मान्यता दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ही ज़्यादा, आप कोई भी मन्नत मांगिए कोई भी चीज़ मांगिए कन्फर्म पूरी होती है, इतनी यहाँ की माता रानी में शक्ति है, इस मंदिर में शक्ति है। और अब तो आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, मेट्रो हो चुकी है, बस हो चुकी है, हर तरह की सेवा है, और साफ़ सफ़ाई आप खुद ही देख सकते हैं इस मंदिर की कितनी ज़्यादा साफ़ सफ़ाई है, ये देखिए। हाँ कैसा लगा? पहले जाते थे ना इसी में, गुफा दर्शन बंद कर दिया गया, क्या गुफा दर्शन? हाँ तो वही गुफा ही थी इसमें, गुफा के नीचे अंडरग्राउंड था, वही जहाँ पे मूर्ति निकली थी वही अंदर का अंदर ही बनाया था, ये तो ऊपर डेवलप किया था। वो देखो पूरा हाथ जोड़ रहा था, बेटा जोड़ो हाथ फटो, आप सामने आ रहे थे, बेटा जोड़ो हाथ, अपने जोड़ो हाथ, हाथ जोड़ो था पूरा ऐसे, हाथ जोड़ो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अच्छा जोर से बोलो। अब बैठने का सिस्टम बंद कर दिया इस मंदिर में, पहले ना बैठने का भी था इसके, अच्छा यहीं बैठते थे सब लोग, यहाँ बैठते थे माता रानी का, माता रानी इधर है ना, माता रानी हाँ इधर ही बैठते थे, बट अच्छा लगा, सबसे अच्छे हम लोग आ रहे हैं, अलग ही ग्रो मार रहा है क्योंकि लाइट ना रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ना उसमें से, इन चीज़ों में से। बिल्ली, मेरी बिल्ली बहुत अच्छी है, ये तो मेरी बिल्ली बहुत अच्छी है।
कंजर्वेटिव है ये तो गंदा। क्या फोटो आ रही है? अरे हाँ तो भाई से एक फोटो हो जाए, एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी, वाह कितना सुंदर लग रहा है सेल्फी। अच्छा बन रहा है यहाँ का, पंडित को रहने के हिसाब से होगा ना। काफ़ी अच्छे बना दिए यार मंदिर, जबरदस्त होती है। भाई हम लोग आए हैं बल्ले पापड़ी खाने और हैं अपना लक्ष्मी नारायण टेम्पल के लिए, वहाँ के भी दर्शन करते हैं।